हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सेल बायोलॉजी का हम पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे, लाइसोसोम। आज उसका सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के जो बच गए हैं। पहला टॉपिक तो कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्यों वो आत्मघाती थैली बन जाती है एक सेल के लिए। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका फंक्शन, और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे उसका बायोजेनेसिस। तो आज हम ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम, लाइसोसोम इज ए सुसाइडल बैग ऑफ आवर बॉडी एंड सेल। तो ये आत्महत्या की थैली क्यों है, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लाइसोसोम जो है आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, इसके एंजाइम जो है पूरी सेल को पचाने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा लाइसोसोम है, जो कि जनरली आपने देखा था कि सर्कुलर या राउंडेड स्ट्रक्चर, सेकलाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन मैंने इसको समझाने के प्रपज से सरल भाषा में इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो ये जो लाइसोसोम मैंने लिखा है ये पूरा लाइसोसोम है, और यहाँ मैंने देखिए लिखा है यूनिट मेम्ब्रेन, यानी इस लाइसोसोम को घेरे हुई ये मेम्ब्रेन है जो कि यूनिट मेम्ब्रेन है, इकाई झिल्ली है। और इस इकाई झिल्ली के अंदर जब परिबद्ध एंजाइम रहते हैं तब तो लाइसोसोम जो है अपने जो एक सेल उसको डिनोट करती है वही काम करता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर में ये काम करेगा। लेकिन अगर सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल एजेंट आ जाए या घुसपैठिए ज्यादा हो जाए तो लाइसोसोम जो है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर उनका अटैक हो जाता है, और उनकी मेम्ब्रेन पर अटैक होने से उनकी मेम्ब्रेन जो है वो टूटना आरंभ हो जाती है। और जब वो टूटेगी तो उसके अंदर के एंजाइम बाहर आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से एजेंट हैं जो कि लाइसोसोम की यूनिट मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हैं, उसको कमजोर करते हैं, उसको तोड़ने में हेल्पफुल रहते हैं, या मैं कहूं कि आसान बना देते हैं उस मेम्ब्रेन को जिससे कि एंजाइम बाहर आ सके। तो कुछ मैंने वो एजेंट लिखे हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस एक सेल में गठित होता है। तो देखिए मैंने कुछ सेक्स हार्मोन लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा है प्रोजेस्टेरोन, जिसे कि आप फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक मैंने लिखा है टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक वो एजेंट है। एक विटामिन्स मैंने लिखे हैं, और विटामिन्स कौन कौन से, विटामिन्स जनरली जो विटामिन है वो है कौन कौन से, ए बी ई एंड के, ये चार तरह की जो विटामिन है ये चारों प्रकार के विटामिन भी क्या करेंगे, वो एजेंट का काम करेंगे जिससे कि एक लाइसोसोम सुसाइडल बैग बन जाए। एक एंटीबायोटिक्स है जो कि किसी जीव से ली है और किसी जीव को मारना है उसके लिए। एक बाइल साल्ट्स है, एक अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, और एक यूवी क्विनोन। ये कुछ वो एजेंट हैं, ये कुछ वो एजेंट हैं जो सारे मिलकर के अगर सेल के अंदर इनका अमाउंट या इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी हाई हो जाए तो ये सीधा अटैक करते हैं किसके ऊपर, यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। और ऐसा होने से उसकी झिल्ली फट जाती है, और फटते ही उसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो सब एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आते ही वो बहुत सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइटोसोल में हर तरह का कंसंट्रेशन मिलता है। जनरली हमने वैसे साइटोप्लाज्म का 7.2 पीएस देखा था, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो जैसे ही इनके पास में आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होते ही ये उस कोशिका को और कोशिका के जो कोशिकांग है, कोशिका के जो कोशिकांग है और स्वयं कोशिका है उसका पाचन कर देंगे, और पाचन कर दिया इसका मतलब हम इसको कहेंगे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब भाई हमें अपनी सेल को, अपने सेल ऑर्गेनेल को बचाना है, और बचाने के लिए कुछ हमें ऐसे सुरक्षा प्रहरी होने चाहिए साइटोप्लाज्म में जो कि इस मेम्ब्रेन को लाइबल होने से रोकते हैं, या मैं कहूं कि प्रिवेंट करते हैं इसकी ब्रस्ट को। तो इसके बचाव का भी एक तरीका है जिसको मैंने लिखा है प्रिवेंटिंग ऑटोलाइसिस या बचाव
करने वाले वो कौन कौन से स्टेबिलाइजर होंगे जो कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करेंगे। स्टेबिलाइजर का मतलब होता है स्थायी कारक या स्थायित्व प्रदान करने वाले एजेंट। तो ये तो स्थायी कारक हो गए, और ये स्थायी कारक को हम तीन पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है C4, दूसरा मैंने लिखा है इपेरिन, तीसरा मैंने लिखा है एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन हो, हिपेरिन हो, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, ये स्टेबल बनाते हैं यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम को। और C4 का मतलब यहां देखिए, पहला सी जो है वो डिनोट करता है कोर्टिसोन को, सेकंड वाला कोर्टिकोस्टेरॉन को, थर्ड वाला कोलेस्ट्रॉल को, और फोर्थ वाला क्लोरोक्विन को। तो ये चार जो सी हैं, ये और हिपेरिन और एंटी हिस्टामिन, यानी ये छह के छह मिलकर के किसका काम करेंगे भाई, ये स्थायी कारक का काम करेंगे। तो ये तो स्टेबल बनाएंगे यानी सुसाइड होने से रोकेंगे, और ये सारे एजेंट क्या है, इसकी सुसाइड करवाएंगे। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहेंगे। और ये जो सुसाइड करवाने के लिए प्रमोट करते हैं, तो ये इन सारे एजेंट को हम चंचलक कहते हैं या लेबिलाइजर कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। कौन? लाइसोसोम। कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए मैंने तीन टर्म लिखे हैं, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑस्टियोक्लेट। पिनोसाइटोसिस आप जानते हैं, जब कोई सेल लिक्विड फॉर्म के अंदर किसी चीज को इंगल्फ करती है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर कोई सेल की सेल मेम्ब्रेन सॉलिड फॉर्म में किसी आउटर फूड मटेरियल को इंगल्फ करती है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये जो पाचन का ये प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आता है। और साथ में मैंने लिखा है कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस अगर दोनों प्रोसेस एक लाइसोसोम एक साथ करता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोफेजी। और हेटेरोफेजी में कौन कौन से हो गए, पिनोसाइटोसिस भी हो गया और फैगोसाइटोसिस भी हो गया। अब हम देखते हैं ओस्टियोक्लेस्ट। ओस्टियो शब्द जो है अस्थि के लिए होता है, और क्लेस्ट का मतलब भक्षण होता है, अर्थात ऐसी कोई हड्डी या अस्थि जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल अगर फॉर्म हो गया है तो कुछ लाइसोसोम्स क्या है, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या करेंगे, खा जाएंगे, उसको उसका भक्षण कर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब ही तो कई लोगों की हड्डियां बढ़ती है क्योंकि वहां पर लाइसोसोम उसको खा नहीं पाता, या मैं कहूं कि ऑस्टियोक्लेस्ट का काम नहीं हो पाता। अगला हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब आप जानते हैं कि अंतः कोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन में शायद सबसे बड़ा रोल है इसका। और इसको हम ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हम इनवर्टिब्रेट्स में भी देख सकते हैं। और उसमें देखिए, जैसे आप अमीबा पढ़ते हैं, इसके अलावा आप सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो अंतःकोशिकीय पाचन संभव हो पाता है वो लाइसोसोम की वजह से ही हो पाता है। अब हम देखते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है स्वभक्षण। स्वभक्षण का मतलब है कि कोई ऐसी सेल जो कि पुरानी हो गई है या मृत हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं हर सेल का लाइफ स्पैन फिक्स है, तो वो सेल अगर मर जाती है तो उन पुरानी सेल्स को मरने के बाद में, या डेड सेल्स को या ओल्ड सेल्स को हटाने के लिए लाइसोसोम बड़ा रोल अदा करता है, उनका पाचन करता है, तो उस प्रक्रिया को हम स्वभक्षण कहते हैं। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर की सफाई करने वाले कोशिकांग है, अपमार्जक का काम करते हैं, इसलिए इनको हम एक और नाम देते हैं, अपमार्जक ऑफ सेल। और आदमी जब स्टार्वेशन पे होता है, जब व्रत वगैरह लंबे समय तक रखता है या भूखा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑटोफेजिक कंडीशन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। उसके बाद में देखते हैं हम, अगर ऑटोफेजी
और हेट्रोफेजी दोनों को एक जगह कर दिया जाए। किस किस को? एक तो ऑटोफेजी और एक इसके साथ में मैं जोड़ दूं हेटेरोफेजी। हेटेरोफेजी का मतलब आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की क्रिया होती है वो हेट्रोफेजी कहलाती है। तो इसको दोनों को मिला दें तो ऐसा काम करने वाला लाइसोसोम जो दोनों प्रकार के काम करता है उसको अम्बी लाइसोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अम्बी लाइसोसोम। अम्बी का मतलब हो गया कि वो ऑटोफेजी का भी काम करेगा और हेटेरोफेजी का भी काम करेगा। अब देखते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है, ऑटो का मतलब स्वयं और लाइसिस का मतलब अपघटन। तो स्व अपघटन की क्रिया का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कैसे करेगा? अचानक अगर किसी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाए तो सारे एंजाइम बाहर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे? उसको पचा जाएंगे। लेकिन कई बार ये लाभदायक प्रोसेस भी होता है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं उसको हम देखिए। लाइसोसोम की जब मेम्ब्रेन फट जाती है तो उससे एंजाइम आकर के, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में जो टेडपोल होता है और उसकी पूंछ होती है, धीरे धीरे करके जैसे ही अडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है। तो ऐसा एक लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम जो है कैथेप्सिन, उसकी वजह से होता है। तो ये जो कैथेप्सिन एंजाइम है, कैथेप्सिन एंजाइम है वो टेल ऑफ टेडपोल जो फ्रॉग की है उसका ऑटोलाइसिस करता है। फिर है क्राइनोफेजी। क्राइनोफेजी क्राइनोलॉजी टर्म से निकला है, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हम कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम हार्मोन कहते हैं। लेकिन वो हार्मोन इनिशियली क्या होता है? वो हार्मोन इनिशियली होता है सब इनएक्टिव। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाएगा, और वो लाइसोसोम क्या कराएगा? क्राइनोफेजिक फंक्शन करने वाला लाइसोसोम कहलाएगा। तो इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। और इसको देखने के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हो, थायरोग्लोबिन। इसका पाचन होता है और पाचन करेगा कौन? लाइसोसोम। और उसके बाद में क्या बनता है? थायरोक्सिन। यानी थायरोग्लोबुल जो थायरोग्लोब्यून है उन कणिकाओं का पाचन होने के बाद ही थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। तो ये किस में आएगा? क्राइनोफेजी में। इसके अलावा लाइसोसोम निषेचन की क्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे? आप जानते हैं स्पर्म्स जो है उसके हेड रीजन में स्पर्म्स लाइसिन होते हैं, वास्तव में वो लाइसोसोम ही है। और वो क्या करते हैं? जो ओवम होता है उसके चारों ओर की जो एक मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को गलाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम स्पर्म लाइसिन करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव होगी। तो ये निषेचन में सहायक है। किसमें सहायक है भाई? निषेचन में सहायक है। और किसके द्वारा? ये अंड कलाओं को गलाते हैं। अंड कला जो है उसका पाचन करते हैं जिससे कि स्पर्म्स जो है एंटर कर सके ओवम के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो माइटोसिस होता है या सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए भी लाइसोसोम बहुत मेजर रोल अदा करता है। इधर देखिए, लाइसोसोम की वजह से कुछ डिजीज भी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो उनमें से पहली डिजीज मैंने लिखी है पम्प्स डिजीज। वास्तव में पम्प्स डिजीज क्या है? ग्लाइकोजन का ज्यादा मात्रा में लीवर में इकट्ठा हो जाना। और लीवर में ग्लाइकोजन ज्यादा मात्रा में इकट्ठा क्यों हो जाता है? क्योंकि लीवर सेल्स में जो लाइसोसोम्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो अगर लाइसोसोम की संख्या लीवर सेल्स में कम हो गई तो ग्लाइकोजन का अवघटन नहीं होगा, और अवघटन नहीं होगा तो ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पम्प्स डिजीज। इसके अलावा मैंने दो डिजीज एक साथ लिखी है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये दोनों डिजीज जो हैं हमारे फेफड़ों से रिलेटेड हैं, और ये फेफड़ों में रिलेटेड है तो इट मींस ये हुआ कि हमारे फेफड़ों में जो लाइसोसोम्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड हो जाती है, और डिग्रेड होने से टूटने से वो एंजाइम बाहर आ जाते हैं।
बाहर आने से हमारे जो दोनों लंग्स हैं उनकी जो लेयरिंग है, जो सेल्स हैं, लंग सेल्स हैं, उनका डिग्रेडेशन आरंभ हो जाता है, और उनका डिग्रेडेशन आरंभ होने से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, और नहीं कर पाती तो सिलिका और जो एस्बेस्टेसिस है वो दोनों हमारे फेफड़ों में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। देखिए लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है टूट जाएगी, जिससे कि लंग सेल डिग्रेड होना आरंभ हो जाएगी, और इससे जो दोनों लंग है वो फुल हो जाएंगे, किससे, सिलिका से, यानी फुलफिल होने लग जाएंगे सिलिका से एंड एस्बेस्टोसिस से। तो ये जो डिजीज है वो इससे रिलेटेड है। तो हमें लाइसोसोम के फंक्शन देखें, एक बायोजेनेसिस और टॉपिक बच रहा है। तो बायोजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं कि एक नया लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके लिए अलग अलग मत हैं। एक मत तो ये कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन का मतलब हुआ कि कोशिका का इसमें कोई रोल नहीं है, फिलहाल कोशिका के द्वारा लाइसोसोम नहीं बनता, तो फिर कोशिका के बाहर जो पदार्थ होंगे, और बाहर कौन से पदार्थ होंगे, जो कि पिनोसोम्स के रूप में हमने पढ़े या फेगोसोम्स के रूप में पढ़े, तो वो पदार्थ जैसे ही सेल के अंदर आएंगे तो वो वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, और फिर साइटोसोल से एंजाइम आकर के उसमें एक्युमुलेट हो जाएंगे, और इस तरह से लाइसोसोम बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन यानी बाह्य कोशिकीय उत्पत्ति, इसमें जो पिनोसोम्स होते हैं या फेगोसोम्स होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, और आकर के क्या बनाते हैं, एक रिक्तिका बनाते हैं, उस रिक्तिका में एंजाइम जो है फिल कर दिए जाते हैं, और उससे क्या बन जाते हैं, लाइसोसोम बन जाते हैं। लेकिन इस मत को कोई मान्यता वर्तमान में नहीं दी जाती। उसके बाद में एक मत ये कहता है कि भाई गोल्जी बॉडी जो होती है उसके थ्रू लाइसोसोम बनते हैं, और ये ऐसे बोलता है कि जो गोल्जी बॉडी है उससे वेसिकल्स बनेंगे, और कौन से फेस से बनेंगे, जो मैच्योरिंग फेस होगा, ट्रांस फेस होगा, उससे ये वेसिकल्स बनेंगे, और इन वेसिकल्स से लाइसोसोमल प्रोटीन बनेगी और अल्टीमेटली लाइसोसोम बनेंगे। लेकिन अकेले गोल्जी बॉडी के द्वारा एक कंप्लीट लाइसोसोम बन पाए ऐसा अभी भी नहीं माना जाता। और एक मत ये भी कहता है कि भाई डायरेक्टली जो नोविकोफ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना किसी व्यवधान के सीधे ही लाइसोसोम जनरेट कर देती है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त मत है, थ्योरी है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं GERL, गर्ल। इसका मतलब है गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज। इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर के लाइसोसोम का निर्माण। कैसे करेगी, देखिए सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उसमें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ वेसिकल्स बनाएगी और उसी के थ्रू गोल्जी बॉडी बनेगी, और गोल्जी बॉडी जो है वो एक मेम्ब्रेन का निर्माण करेगी या मेम्ब्रेन प्रोटीन का निर्माण करेगी, साथ में जो RER है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और आप जानते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ओनली एक एंजाइम को छोड़ करके राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, तो उस RNase एंजाइम को छोड़ करके बाकी के सारे एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो RER है वो प्रोटीन फॉर्म करेगी, और वो प्रोटीन मॉडिफाई किसमें होंगे, एंजाइम में। तो ये जो एंजाइम इसने बनाए और मेम्ब्रेन प्रोटीन इसने बनाई गोल्जी बॉडी ने, ये दोनों एक्साई हो जाएंगे और एक्साई होकर के एक न्यूली बॉडी लाइसोसोम का निर्माण कर देंगे। तो वर्तमान में सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, गर्ल वाला मेथड माना जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने लाइसोसोम को कंप्लीट पढ़ा, और अब एक नए वीडियो में एक नए सेल ऑर्गेनेल के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।